देखेंगे फॉर लूप को, यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा जी, तो हम अब एग्जांपल लेते हैं किसकी, हाउ टू क्रिएट एन इनफाइनाइट लूप, ठीक है ना। ये हमारी एग्जाम्पल होगी और इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कुछ मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। होपफुली मैं सारे तो नहीं कवर करवा सकता, लेकिन इससे काफी हद तक काफी चीजें कवर अप हो जाएंगी आप लोगों की, ठीक है ना। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मेथड वन ले लिया, यूजिंग एम्प्टी स्टेटमेंट्स, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और यहाँ पे आ गया इंट मेन int argc और character double asterisk args, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे return 0 आ गया, और यहाँ पे मैं लिखा for, फिर semicolon semicolon दो दफा आ गए। अभी क्या हो गई हमारे पास, empty statements आ गए ना, यहाँ पे ना मैंने condition दी है, ना increment किया, ना variable में change लेके आए, और ना हमने उसको initialize किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, एक इनफाइनाइट लूप जनरेट हो जाता है। और यहाँ पर मैं सी आउट कर देता हूँ, दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग। तो सी प्लस प्लस जो है वो हमें इस तरह से लूप लगाने की इजाज़त दे देता है, जो कि अच्छा तरीका नहीं है। इसको मैंने सेव किया यहाँ पे, और हम इधर आते हैं, और यहाँ पर लिखा मैंने जी प्लस प्लस और टेस्ट डॉट cpp माइनस ओ, फिर टेस्ट डॉट exe, और मैंने इसको कंपाइल कर लिया। अच्छा जी, कंपाइल होने के बाद मैंने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया, टेस्ट डॉट exe एग्जीक्यूटेबल फाइल को चलाया, तो ये देखें ये क्या हो रहा है, बार बार चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। और मैं इसको कंट्रोल सी से हम इसको स्टॉप कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। ये देखें, अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ आपको, कितना ऊपर लेके जाऊँ, ये देखें ये कर्सर आपको नजर आ रहा है ना स्क्रॉल बार। सर ये दिस से पहले स्पेस क्यों नहीं ले रहा, ठीक है। अब ऑब्वियसली सारों को चलाना जो है वो इतनी कोई अक्लमंदी नहीं होगी, तो अच्छा जी, यूजिंग ट्रू इन दी कंडीशन, इसको मेथड टू कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे आता है मेथड थ्री, और मेथड थ्री में हमने क्या करना है, यूजिंग एनी स्टेटमेंट दैट डजंट कंटेन और रिजल्ट्स, जीरो फॉल्स, और यहाँ पे आ गया मेरे पास नल, नल अंडरस्कोर ptr, और ये चीज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेट्स सपोज हम कोई कंडीशन दे देते हैं, मैंने दे दिया 5 इज लेस देन 7, टोलॉजी वो होती है कि आप उसको जो मर्जी इनपुट देते हैं उसका आउटपुट जो है वो हमेशा आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे भी जो मर्जी हमारे पास वेरिएबल आ जाए, उसकी जो मर्जी वैल्यू हो, इस कंडीशन का आंसर हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा।
और हमेशा टू आने पे क्या होगा, लूप हमेशा चलेगा और इससे इनफिनिट टाइम्स हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं और इधर मैं ये भी लिख सकता हूँ सी आउट पी एफ। तो इससे भी क्या होगा, ये लूप जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज यूजिंग सॉरी यूजिंग नहीं चेंजिंग दी पोजीशन। सर ये मेथड 3 समझ नहीं आया, नल वाला। अगर हम कंडीशन की जगह पे, वो अभी नीचे जाके ना मैंने आपको बताना है कि आपका लूप कैसे, हम उसको लूप की कंडीशन लिखेंगे या फॉर लूप ऐसे लिखेंगे कि फॉर लूप कभी चले ही ना, उसमें ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हम ये वाला मेथड भी वहाँ पे यूज करेंगे ना, तो तब आपको क्लियर हो ठीक है जाएगा, सर। ठीक है ना। चेंजिंग द पोजिशंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ लूप। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट नंबर इज इक्वल टू 1, फिर नंबर प्लस इज इक्वल टू 1, और मैंने कह दिया नंबर इज लेस देन 10। बल्कि ये यहाँ से इंट को हटा देते हैं, यहाँ पे मैं ले लिया इंट नंबर इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब इससे क्या होगा, एक दफा कंडीशन चेक होगी और हर दफा वो क्या करेगा, नंबर को 1 कर देगा और फिर नंबर में एक इंक्रीमेंट होगा और ये लूप जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी पोजीशन जो है वो बहुत मैटर करती है, लेकिन अगर आप कंडीशन इधर ले आते हैं और इंक्रीमेंट यहाँ पर कर देते हैं तब आपका लूप जो है वो बिल्कुल ठीक चलेगा, वो उसमें एक आध आइट्रेशन का इश्यू आएगा, बाकी आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास मेथड 5 पे आ जाते हैं, लॉजिकल एरर इन दी एरिथमेटिक ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट्स सपोज इंट नंबर इक्वल्स टू 0, फिर नंबर इज लेस देन 10, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नंबर माइनस इक्वल्स टू 1 कर दिया। अब क्या हुआ, नंबर इंक्रीज होने के बजाय नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, और 0 से नंबर जब डिक्रीज होगा वो कभी भी 10 तक पहुंचेगा नो सर। नहीं ना पहुंचेगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो लूप है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, सर वो ठीक हो एरर गया नहीं ना। देगा, सिर्फ इन्फिनिटी चलता रहेगा। हाँ इनफाइनाइट चलेगा, इसको आप कहते हैं लॉजिकल एरर। सिंटेक्स एरर तो नहीं ना है यहाँ पे, सिंटेक्टिकली नो तो ठीक सर। है, यस लेकिन सर। मसला किस चीज का आ गया, हमारी लॉजिक का आ गया। हमने प्लस लिख रहा था, बाय मिस्टेक हमने क्या कर लिया, माइनस लिख दिया, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जिससे आपको आइडिया होगा कि आपके प्रोग्राम में जो इशू आते हैं वो क्यों आ रहे हैं। अगर इनफाइनाइट लूप आ रहा है तो इनमें से कोई ना कोई एक मसला होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल थी हाउ नॉट टू स्टार्ट लूप, ठीक है। तो एम्प्टी स्टेटमेंट वाला खत्म हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास वो कंट्राडिक्शन वाला के कभी भी लूप नहीं चलेगा, हाउ टू नेवर स्टार्ट द लूप। तो जहाँ पे ट्रू था वहाँ पे क्या आ जाएगा, हम फॉल्स दे देंगे, यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स देंगे तो कभी भी हमारा लूप नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे आ गए हम क्या कहते हैं मेथड 2 पे, और यहाँ पे मैं अगर नल लिख देता हूँ या 0 लिख दूंगा तो ये लूप कभी भी नहीं चलेगा। दैट
कंटेन और रिजल्ट्स ये आ गया, और उसके बाद यहाँ पे आ गया थर्ड वन। अब इसमें क्या होगा, ये पोजीशन चेंज करने से जो है उसका ऐसे इतना मसला नहीं पड़ता। तो हमारे पास दो हो चुके हैं, यहाँ पे थर्ड मेथड देख लेते हैं। और लॉजिकल एरर जो है वो क्या होगा कि यहाँ पे तो हमने प्लस लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये ऑपरेटर जो है वो रिवर्ट कर दिया, ठीक है ना। शुरू शुरू में बच्चों को इशू आता है इस चीज़ का कि उनको पता नहीं लगता ग्रेटर देन का साइन कौन सा है, लेस देन का साइन कौन सा है। तो ये एक बेसिक मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, उसके बाद उनका लूप नहीं चलता तो परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसे परेशान नहीं होना, यहाँ पर नल भी आ सकता है, यहाँ पे जीरो भी आ सकता है, और इनमें से कोई भी चीज आएगी तो आपका जो लूप है वो नहीं चलेगा। या हम मेथड फोर भी एक देख लेते हैं, इसी का हम पार्ट बी देख लेते हैं, टू ए आ गया और टू बी भी देख लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ एट नंबर इज इक्वल्स टू टेन, इनिशियलाइज मैंने टेन से कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने कर दिया नंबर इज इक्वल्स टू जीरो। अब नंबर इज इक्वल्स टू जीरो हुआ और यहाँ पे नंबर के पास क्या आ गया, वैल्यू जीरो आ गई। तो इनडायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, कंडीशनलाइज साइड पे जीरो आ गई। इससे भी हमारा लूप जो है वो कभी भी नहीं चलेगा। आमतौर पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, उन्हें लेस देन इक्वल्स टू लगाना होता है तो वो सिंपल इक्वल्स टू लगा देते हैं, उससे भी इशू आ जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली मिस्टेक जो है इसका पार्ट टू जो है ऊपर भी ले जाते हैं, क्योंकि ऊपर भी ये वाली मिस्टेक होती होती है, थ्री बी है ये, इधर भी होती है। और इसको हम थ्री भी कह देते हैं, दैट डजंट कंटेन, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इधर जीरो कर दिया और यहाँ पे टेन कर दिया, ठीक है ना। तो हमने करना था लेस देन इक्वल्स टू टेन, और यहाँ पे नंबर प्लस इक्वल्स टू वन कर दिया। यहाँ पे हमने करना क्या था, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू टेन लगाना था, लेस देन का हम साइन भूल गए, तो उससे क्या हो गया, ये लूप जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक हो गया ना। तो ये वो बेसिक मिस्टेक्स हैं जो कि जब आप लोग कोडिंग कर रहे होते हैं तो आप लोग को फॉर लूप के दरमियान में आ सकती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, तो इसको मैं एंड कर देता हूँ। एग्जाम्पल इज प्रिंटिंग दी आस्की टेबल। आप लोगों को याद होगा मैंने जब आप लोगों को डाटा टाइप्स पढ़ा रहा था तो करेक्टर के साथ मैंने आप लोगों को, जब हमने करेक्टर टाइप को देखा था, मैंने आप लोगों को आस्की टेबल एक दिखाया था। अब हम प्रोग्राम लिखेंगे जो कि वो आस्की टेबल जो है वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो इसको हम ख़त्म कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ले लिया अच्छा जी 32 से ऑनवर्ड जो है वो हमारे पास आस्की करेक्टर्स आते हैं, और वो होते हैं 127 तक होते हैं। यहाँ पे नंबर प्लस इक्वल्स टू 1 कर दिया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने पहले नंबर प्रिंट करवाया और नंबर जो है वो आस्की कोड आ जाएगा, फिर थोड़ी सी स्पेस थी, और उसके बाद बल्कि हम पहले करेक्टर प्रिंट करवाते हैं। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नंबर लिख दिया, इसको हम हैंडल भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया अपने नंबर को किसमें, करेक्टर टाइप के अंदर, ठीक है ना। अब वो मुझे इस न्यूमेरिक वैल्यू का जो एक आस्की करेक्टर बनेगा, आस्की वैल्यू का जो करेक्टर होता है वो मुझे शो करवाएगा,
ठीक है ना, और ये पूरा एक टेबल टाइप से बन जाएगा, और उससे ऊपर हम प्रिंट करवा लेते हैं स्पेस करेक्टर, और इसको हैंडल कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी अच्छा जी, या मैंने इसको फॉर लूप के अंदर वाली स्टेटमेंट एक बार दोबारा तो आएंगे। नंबर हमने स्मॉलर देन इक्वल टू 127 क्यों रखा? ये मैं आपको भी बताता हूँ कि हमारे पास जो आज की टेबल है उसके अंदर जितने हमारे पास प्रिंटेबल करेक्टर्स होते हैं वो 127 तक होते हैं, ठीक है ना। तो ओके इस सर, वजह से आगे सुनो। हमने वो उतना लूप लगा दिया कि जितना वो प्रिंट हम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने दोबारा से कंपाइल किया और इसको एग्जीक्यूट किया। ये देखें, अभी मुझे बता रहा है कि ये देखें जी, थोड़े स्पेसेस कम हो गए। चलो खैर, सॉरी यहाँ पे वैल्यू आ गया था, करेक्टर लिख दिया मैंने। अच्छा तो यहाँ पे जो है वो बता रहा है कि 32 जो है उस पर स्पेस आती है हमारे पास, और 33 पे जो हमारे पास क्या आता है एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, 34 पे हमारे पास डबल क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, और ये जो है ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर हम ASCII सर, ये सी एच टेबल आर जो जो है हमने उसमें लिखा है सी आउट स्टेटमेंट में, उसकी वजह से ये हुआ है ना? हाँ जी, उसकी वजह से हुआ, इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। अच्छा जी, मैं ये देखे, ये रहा हमारा ASCII टेबल, और इसमें ये देखे 32 के लिए हमारे पास स्पेस है, 33 के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये चीजें प्रिंट हुई थी ना हमारे पास सारी, और ये वैल्यू साथ में यस प्रिंट सर। हो रही थी, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड है, तो हमने क्या किया, हमने ऐसा लूप लिखा जो कि ये स्टैंडर्ड वाली वैल्यूज जो है उसको प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। इसको थोड़े से स्पेसेस और ऐड कर देते हैं और यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ASCII टेबल प्रिंटेबल ASCII टेबल ये जो है, सैंपल ASCII वैल्यू वैल्यूज खुद है ही लेगा, वो जी, सैंपल वैल्यू वो खुद ही लेगा। ये ऊपर हेडिंग के लिए है, सिर्फ सिंबल और वैल्यू जो है ना उस हेडिंग के लिए ऊपर आ रहा होगा, सिंबल है उसके नीचे से फिर वो सारे सिंबल आ रहे होंगे कि साइड पे दूसरी जगह पे सारी वैल्यूज आ रही होंगी, उससे हमारा जो टेबल है बड़ा अच्छा सा लगेगा, ठीक है ना। ये देखें जिस तरह से ये आ नहीं रहा सिंबल और करेक्टर, यहाँ पे सिंबल और वैल्यू आ रही थी तो वो मैंने अपडेट कर दिया। ओके हो गया। अच्छा जी, अब आता है हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप फोर विद इन विद फोर इन फॉर लूप, ठीक है। तो इसकी जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है हमारे पास वो आती है प्रिंटिंग दी राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ऐसे ही था ना ये वाली, एक ये फिर ये और फिर ये, ऐसे याद है ना सारों को, हमने पहले भी किया हुआ ये सर, इस बार डायमंड शेप बना सर। दो। साइबर में मिला हुआ डायमंड शेप? यस नहीं सर, सर, आपने पहले काफी पहले दिया था सर उसके अंदर नहीं दो बना था हम पिरामिड लोग, बनने हैं, पिरामिड का नहीं हुआ था। चलो वो भी देख लेते, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने एक लिया था लूप किसके लिए, लाइन के लिए, और स्टार्ट कहाँ से होता था, वन से होता था, और लाइन जाता कहाँ तक था, लेस देन साइज प्लस वन, ऐसे था ना, और फिर यस सर। लाइन प्लस इक्वल टू वन। अब यहाँ पे हमने साइज अभी तक नहीं लिया हुआ, हम पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं साइज का, और जीरो से मैंने इसको इनिशियलाइज कर लिया, यहाँ से फिर सी आउट किया, एंटर द साइज ऑफ द ट्रायंगल, ये आ गया, और हमने सीन करवा दिया साइज, और फिर यहाँ पे हमारा फॉर लूप चला किसके लिए,
इंट क्या चीज आएगी यहाँ पे, साइज। स्टार आ जाएगा ना। हाँ स्टार स्टार स्टार। अब स्टार प्रिंट करवाना ना, या कोई भी करेक्टर हो वो चीज़ आ जाएगी। स्टार आ गया, स्टार हमारे पास फिर वहां से शुरू हुआ, और स्टार ने कहाँ तक जाना था, स्टार लेस देन लाइन प्लस वन, 9 + याद है ना 1 आप लोगों को। यस सर। और ये स्टार फिर अब साइज प्लस इज इक्वल टू वन आ गया। और सर यहाँ पे हमने स्टार क्या करना इक्वल था टू लाइन भी सिंपली, कर सकते हैं। स्टार इक्वल टू लाइन भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो हमने पहले किया हुआ, ठीक है ना। ओके सर। स्टार इक्वल टू लाइन होगा, प्लस वन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप उस तरह से भी कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा तरीका है, लेकिन इस तरह से भी चलेगा, बिल्कुल ठीक चलेगा। तो हम इसको चलाते हैं, इतना सही कोड था, तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और फिर हम इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं, और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इससे साइज मांगा, मैंने साइज दे दिया 5, और मेरे पास ये ट्रायंगल जो है वो प्रिंट हो गई। अच्छा, अब इसमें स्पेसेस नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी स्पेस ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर मैंने इसको सेव किया, कंपाइल और एग्जीक्यूट किया, और मैंने साइज 5 दे दिया। ये देखें, अब बिल्कुल वैसे ही आ गई, ऐसा ही है ना। यस सर। अब आप लोग कह रहे थे कि सर जी हमें वो मसला आ रहा था कि वो पिरामिड बनाने का, तो मैंने यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाया। यहाँ पे हमने लिखा स्पेसिस चाहिए, अब हमें स्पेस जो है वो 1 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, स्पेस इज लेस देन साइज माइनस लाइन प्लस 1, और यहाँ पे आ गया स्पेस प्लस इक्वल टू 1 आ गया। और स्पेस में हमने क्या प्रिंट करवाना है, स्पेस क्या प्रिंट करवाएंगे, स्पेस प्रिंट करवाएंगे। स्पेस हमने नाम भी ऐसा रखा हुआ है कि हमें मसला ही नहीं हो रहा है इस चीज में। तो मैंने इसको दोबारा से कंपाइल किया और दोबारा से एग्जीक्यूट किया, और मैंने साइज दे दिया अगेन 5, तो ये क्या बन गया, हमारे पास पिरामिड बन गया। यस सर। सर समझ आ गया सर। और डायमंड इसको अगर शेप हम उल्टा बना कर दी। देंगे, अगर हम इसी कोड को कॉपी करते हैं और इसी जो पिरामिड है इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला भी आ जाएगा, नीचे वाला भी आएगा। जब दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल, तो मिलके क्या बनेगा, डायमंड ही बन जाएगा। सर सर हम लोग जब उल्टा करेंगे तो उस वक्त हम लोग क्या चीज इसमें चेंज करेंगे, कि हम लोग साइज को सर ये माइनस करेंगे आपका, 1 या। ये देखिए ना, इसको हम कर देते हैं, मैं साइज कर दिया, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ गया, और यहाँ पे मेरे ख्याल से माइनस करने से हमारा काफ़ी हद तक काम आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, मैंने इसको कंपाइल किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पे 5 दे दिया, तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। इन्वर्ट हो गया सर। यस हाँ सर। जी, अब इन दोनों को अगर हम ऐड अप करें, इकट्ठा कोड कर दें, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी इकट्ठा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डायमंड बन जाएगा। पिरामिड बन डायमंड जाएगा बन जाएगा। और डायमंड ये बन जाएगा। डायमंड बन जाएगा। कमाल ही हो जाएगा। घबराते रहते हैं बैठ के, चीजें जो है बहुत आसान है, आप लोगों ने प्रॉब्लम को देख के परेशान नहीं होना बस, ठीक है ना। ओके हो गया, यस सर। यस सर। ये मसला क्लियर है, अब इसमें कोई मसला तो नहीं ना है। यस सर नो सर, क्लियर है चले। अब मैं ये सर। वाला इसमें कोड जो है यहाँ वो पे, ABCD से अगर करना हो तो स्टार की जगह। तो पुत्र इधर आप वो देखे ना, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे लिख दें आप, लेट्स सपोज आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आ गया मेरे पास करेक्टर आ गया, और इधर भी आ गया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए प्लस स्टार माइनस 1,
अच्छा जी, मैंने साइज दे दिया 5, तो मेरे पास क्या आ गया, इस तरह से आ गया ना। और साथ में अगर मैं ओके स्पेस भी दे देता हूँ इधर, एक स्पेस भी प्रिंट करवा दी है, तब तो आपकी डायमंड जो है वो उस तरह से आ जाएगी। ये लो जी। सर, एडिशन उसके आसी कोड के अंदर एडिशन हो रही है ना? हाँ जी ओके सर। ठीक है, मुश्किल तो नहीं ना है ये। नो सर। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से ए बी सी डी ई है, तो यहाँ पे ई के बाद एफ, आगे क्या आता है, जी एच आई जे के, इस तरह से करके आए, तब क्या करेंगे। परेशान हो गए इतनी तब सर छोटी बात मुझे पे। आस्की कोड शुरू। अब हमें सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक करेक्टर ले लिया, ठीक है ना, करेक्टर ले लिया, तो इसमें क्या रखवा दिया, ए रखवा दिया, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, सी आउट में करेक्टर करेक्ट। आ गया। और जब करेक्टर प्रिंट हो गया, तो हमने क्या कर दिया, करेक्टर प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया, अगला करेक्टर आ जाए, फिर अगला करेक्टर आ जाए। अब मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो ये लें जी, यहाँ पे आ गए, फिर साइज में 5 देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, एबीसीडी ए बी प्रिंट सी हो डी गई। आ गई। हो गया, मुश्किल काम था ये, अब सर नहीं रहा मुश्किल। मुश्किल तो नहीं ना है। अब ये देखें, ये करेक्टर था, अब मैं अगर करेक्टर को खत्म कर देता हूँ, या यहाँ पे कैपिटल था स्मॉल में लेके आना, तो मैं यहाँ पे स्मॉल कर दूंगा, स्मॉल में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैंने न्यूमेरिक वाली इसको प्रिंट करवाया, तब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैंने स्टार को यूज कर लिया। ये ले जी, यहाँ पे आ गया 5। ये लो जी, मुश्किल काम था ये, है भी परेशान होते रहते हैं आप लोग। ओके हो गया, ये पॉइंट क्लियर है, यस सर इसमें कोई मसला किसी बच्चे को कोई मसला तो नहीं ना है। नहीं सर, नो सर। गुड हो गया। अब मैं ये कोड जो है ये इसमें ऐड नहीं कर रहा आपके नोट्स में, लेकिन ये आपकी वीडियो में एडिट है और ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आपका कोड जो है, ये सारी एग्जांपल्स जो है, ये आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगी, ठीक थैंक है। यू सर। तो ये सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वीडियो के अंदर, लेकिन इसके अंदर मैं नोट्स के अंदर ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कुछ और टॉपिक्स हैं, हम उसको देख लेते हैं। पहला टॉपिक जो है वो है एस्केप, एस्केप सीक्वेंस का, ठीक है। ये हमारे पास करेक्टर्स विच आर यूज्ड इन स्ट्रिंग टू एस्केप टू चेंज दी सीक्वेंस ऑफ दी स्ट्रिंग। तो जो करेक्टर्स हैं दैट आर, हमारे पास आ जाता है एक, हमारे पास आता है बैक स्लैश टी, तो ये क्या करता है, इट एड्स दी टैब स्पेसेस, ठीक है ना। टैब, हमारे पास टैब की भी होती है ना, तो ये 4 to 8 स्पेसेस होती है, और सॉरी 4 to 8 है, और ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करती है, तो जिस तरह के आपके सिस्टम पे स्पेसेस होंगी, उतनी वो स्पेसेस ऐड कर देगा। फिर बैक स्लैश एन होता है हमारे पास न्यू लाइन के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास होता है बैक स्लैश आर, ये क्या करता है, रिटर्न टू द स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग, या आपका जहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हैं उस पर रिटर्न करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर हमारे पास आ जाता है डबल बैक स्लैश, ये किस लिए होता है, टू प्रिंट
ये हम स्ट्रिंग की बात करें, विद इन द स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर अगर हम इसको यूज करेंगे तब ये क्या करेगा, तो ये प्रिंट करेगा सिंगल बैक स्लैश जो है वो, अगर आपने यूज करवाना हो तब हम उसके लिए डबल बैक स्लैश को यूज किया करेंगे। उसके अलावा फिर बैक स्लैश और डबल कोट्स आ गए, तो टू प्रिंट सिंगल कोटेशन मार्क्स, ये डबल कोटेशन मार्क्स, लेकिन वो एक को प्रिंट करेगा, और बैक स्लैश फिर सिंगल वाला आ गया, और ये किस लिए है, टू प्रिंट सिंगल कोटेशन मार्क्स। ठीक है, अब हम इसके छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे सारा कुछ ख़त्म करके यहाँ पे मैंने लिखा सी आउट, और मैंने लिख दिया दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग एस्केप सीक्वेंसेस। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मैंने स्पेसेस दी थी यहाँ पे मैं एस्केप सीक्वेंसेस ऐड कर देता हूँ। तो पहले आ गया मेरे पास बैक स्लैश टी आ गया, फिर बैक स्लैश एन आ गया, फिर क्या आया मेरे पास बैक स्लैश आर आ गया, और ये यहाँ पर डबल बैक स्लैश आ गया, और इधर मैंने बैक स्लैश सिंगल कोटेशन मार्क्स, और यहाँ पे बैक स्लैश और इधर सिंगल कोटेशन मार्क्स ऐड कर दी। अब मैं इसको जब चलाऊंगा तो क्या होगा, सर इसको आपने मैंने दोनों सेव जगह डबल किया। कोट्स नहीं डाल दिए? चलिए हाँ, मैं चाहता हूँ कि एस्केप सीक्वेंस जो डबल कोट्स में है, ठीक है सर। ठीक है ना, जब मैसेज प्रिंट हो हमारा तो एस्केप सीक्वेंसेस जो है वो डबल कोट्स में है, ताकि हमें पता लगे कि हम एस्केप सीक्वेंसेस जो है हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा जी, अब ये देखें अब क्या हुआ, दिस इज फॉर टेस्टिंग एस्केप सीक्वेंसेस आ गया। अब आपने गौर किया होगा जस्ट जो है वो अंदर से गायब हो गया, यस सर। ऐसे ही हुआ ना। जब बैक स्लैश आर किया तब क्या हुआ कि ये जो चीज प्रिंट हुई ये शुरू से प्रिंट होना शुरू हो गई, जस्ट के ऊपर से प्रिंट होना शुरू हो गई। तो अगर मैं इस चीज को देखना चाहता हूँ कि वाकई ही क्या हुआ था, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा जस्ट और यहाँ पे मैंने लिखा बैक स्लैश आर, और इसके बाद मैंने लिख दिया लेट्स सपोज एम लिख दिया मैंने, और इधर मैंने एंडल कर दिया। अब ये जस्ट को क्या कर देगा, मस्ट कर देगा। इसको मैंने सेव किया और दोबारा से कंपाइल करते हैं, और इसको फिर मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये देखें जो शुरू में जस्ट था वो क्या हो गया, मस्ट मस्ट हो गया, हो ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने इसको रिप्लेस किया और अगली लाइन में आकर उसने बाकी सारा काम कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये सारे थे इन सारों को हम क्या कहते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं। तो आप जो है इसको अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं, कोड को ब्यूटीफाई करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसमें कोई इशू तो नहीं है। नो सर। सर ये आर हाँ वाला सर। इस्तेमाल क्यों होगा, कहाँ पे इस्तेमाल होगा देखिए, ये सर? जहाँ पे हमने टैब स्पेसेस ऐड करनी है हम बैक स्लैश टी को यूज़ कर लेंगे, जहाँ पे अपने न्यू लाइन करना है आप एंडल की जगह बैक स्लैश एन को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बैक स्लैश आर वाला जो है सर, हम वैसे ही अगर जे मिटा के एम लिख दें तो नहीं, ये ज्यादा होता है आसान कि नहीं आपने पहले कुछ चीज़ प्रिंट करवाई, उसके बाद आपने वेट करवाया, और आपने उसके बाद क्या किया, पिछले वाला था उसके ऊपर ओवरराइट कर दिया। तो मतलब दोनों चीजें प्रिंट हो। हाँ, पहले आपको एक चीज नजर आएगी, और उसके बाद हमारे पास कुछ जगहों पे होता है क्या कहते हैं वो, वेट वूट करवाने के लिए ना चीजें होती हैं, फंक्शंस होते हैं, तो वो वेट भी करवा देता है। तो उसके साथ फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले एक चीज प्रिंट होगी फिर दोबारा से दूसरी चीज उसी के ऊपर ओवरराइट होना शुरू हो जाएगी, उससे ना बड़ी जी अच्छी एनिमेशन क्रिएट हो जाती है, लगता है कि वाह जी वाह, बड़ी अच्छी कोडिंग की हुई है, पता नहीं कितना अच्छा प्रोग्रामर है। लेकिन वो क्या होता है, आपको बस स्पेसिफिक चीजों का आइडिया हो, उससे आप अपनी चीजों को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई और ब्यूटीफाई कर सकते हैं।
ओके सर, ओके ओके। ओके ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या है? इज द कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ डेटा इनटू द अदर टाइप ऑफ डेटा, ठीक है ना? और दूसरी ऐसी टाइप होनी चाहिए जो कि उसमें कन्वर्ट हो सके। ये नहीं है कि आप स्ट्रिंग को के इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकती। उसके अलावा नंबर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये कन्वर्जन जो हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग कहते हैं, ठीक है? टाइप कास्टिंग जो है वो दो तरह की होती है, इसकी टू टाइप्स होती है। एक को हम कहते हैं इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट कास्टिंग और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट कास्टिंग, ठीक है ना? इम्प्लिसिट ऐसी कन्वर्जन कन्वर्जन विच इज डन बाय द कंपाइलर इटसेल्फ। तो ऐसी कन्वर्जन जो कि कंपाइलर खुद कर लेता है उसको क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कास्टिंग कहते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कास्टिंग आ गया, यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और यहाँ पे आ गया इंट मेन और इंट एआरजीसी और करेक्टर डबल स्टेरिक एआरजीएस और यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न जीरो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट नंबर इज इक्वल टू 4.5 f रखवा दिया, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या हो रही है? इम्प्लिसिट कास्टिंग हो रही है। द वैल्यू 4.5 f जो है वो फ्लोट टाइप की वैल्यू है, विल बी कन्वर्टेड इनटू इंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये टीचर में जब कन्वर्ट होगी, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ नंबर को तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर 4 आ जाएगा, 0.5 जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे होता है ना? F ना लिखें तो फिर भी वो 4 ही करेगा ना? हाँ, तब भी 4 करेगा, लेकिन वो डबल से फिर कन्वर्ट कर रहा होगा इंटीजर में, ठीक है? तो इम्प्लिसिट क्या होता है? जो कंपाइलर खुद कन्वर्ट कर लेता है उसको हम इम्प्लिसिट कहते हैं। और एक्सप्लिसिट में क्या होता है? जो हम इनफोर्स करवाते हैं, जिसको हमें बताना पड़ता है। एग्जैक्टली, व्हिच इज डन बाय द प्रोग्रामर। तो ये किस तरह से होगी? ये इस तरह से होगी, यहाँ पे लिखा एंड, ऐसे इतना काफी होता है और आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये वाली ब्रैकेट से हम उसको ज्यादा अच्छी तरह से रैप कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास? एक्सप्लिसिट कास्टिंग हो रही है, ठीक है ना? और आंसर दोनों में सेम ही आ रहा है, आंसर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन एक में कन्वर्जन किसने की है? कंपाइलर ने खुद ही कर ली, उसको पता लग गया कि यार वैल्यू इंटीजर की थी, सॉरी वैल्यू जो है फ्लोटिंग पॉइंट की थी, लेकिन जो वेरिएबल है वो इंटीजर का है। तो जब हम इसको स्टोर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? इम्प्लिसिट का वो हमने इसको ना 0.5 की वैल्यू को खत्म कर देना, ठीक हो गया ना? ये बात समझ में आ रही है सारों को? यस सर। और एक्सप्लिसिट में हमने हमने खुद बताया है कि काम किस तरह से होगा। अच्छा, जब हमारे पास कास्टिंग होती है तो उसके बाद दो तरह की चीजें अक्कर हो सकती है, ठीक है ना? टू अक्रेसेस होती है, या हमारे पास दो तरह का बिहेवियर होते हैं, टू बिहेवियर होते हैं। या तो क्या होगी हमारे पास? प्रमोशन होगी, या हमारे पास डिमोशन होगी। प्रमोशन में क्या होता है? सॉरी,
वैल्यू प्रमोट हो, प्रमोशन में क्या होता है जब हमारे पास स्मॉलर टाइप ऑफ वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू बिगर टाइप ऑफ वैल्यू या बिगर टाइप ऑफ वैल्यू स्लैश डाटा टाइप में जब वो कन्वर्ट होती है तब क्या होता है उसको ज्यादा जगह मिल जाती है, इसी को प्रमोशन कहते हैं ना, तरक्की हो गई, चीज बढ़ गई, ऐसा ही होता है ना। विच मीन्स अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को उठा लेते हैं, बल्कि यहां पे मैंने क्या लिख दिया, डबल लिख दिया मैंने, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4.5 ही रहेगा, और इधर भी क्या आ जाएगा 4.5 ही आ जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या कि ये जो वैल्यू थी इसका साइज जो था वो 4 बाइट्स का था, ऐसे ही था ना, और यहाँ पे हमने सॉरी डबल लिख देना, ठीक है ना। फ्लोट जो है वो 4 बाइट का होता है लेकिन डबल जो है वो 8 बाइट्स का होता है। अब 4.5 जो है जो पहले 4 बाइट में रह रहा था अब उसकी तरक्की हो गई, अब उसको क्या कितनी जगह मिल गई, 8 बाइट्स मिल गई, ठीक है ना। तो इसकी क्या हो गई, प्रमोशन हो गई, प्रमोशन हो गई ना। ये बात क्लियर है सारों को? यस सर। और डिम में क्या होगा, आपकी डाटा लॉस हो जाएगा, वैल्यू इज, अच्छा उसको चेंज कर देते हैं, बिगर टाइप ऑफ वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर टाइप ऑफ वैल्यू। तो इसमें क्या होता है हमारे पास डाटा लॉस हो जाता है, ठीक है ना। एक होता है प्रमोट कर दिया, प्रमोट यानी ऊपर चला गया, डिमोट होता है वो नीचे आ गया, उसकी जगह भी कम हो गई, सारा कुछ कम हो गया। तो वही एग्जाम्पल ये जो हमने ऊपर की हुई है ये हमारे पास डिमोशन की थी। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं और ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना, कि ये फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू थी, इसमें एक्स्ट्रा चीजें थी, हमारे पास 0.5 था जो कि अब क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, डाटा लॉस हो गया ना यहाँ पे आके।